Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वयं प्रभा में आपका स्वागत है ये कंपनी विधि का व्याख्यान नंबर नौ है जिसमें हम कंपनी के समापन के बारे में डिस्कस करेंगे मैं डॉक्टर कैलाश कुमार कुर्मी सहायक प्राध्यापक विधि संख्याय दिल्ली विश्वविद्यालय अब प्रीवियस जो व्याख्यान था वो कंपनी विधि का कुप्रबंधन एवं मिसमैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करा था उस अध्याय में हमने ये जाना था कि कंपनी का कुप्रबंधन या मिसमैनेजमेंट जो है वो कैसे होता है जिसमें जो है हमने कुप्रबंधन क्या है इसके बारे में डिस्कस करा था कि जहाँ पे जो है जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं या कंपनी के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं या जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो पब्लिक इंटरेस्ट में या जो उनके मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट में ना हो या कंपनी को गलत तरीके से किया गया हो गलत काम किए गए हो कंपनी के विरुद्ध जिससे उसके हित जो है वो इफेक्ट हुए तो वो मिसमैनेजमेंट जाना जा माना जाएगा इससे संबंधित जो प्रावधान जो हैं वो धारा दो से लेकर दो में दिए हुए हैं और उससे संबंधित कि कौन आवेदन दायर कर सकता है क्या प्रक्रिया हो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की क्या क्या उससे संबंधित बात हैं किन कंडीशन में वो दायर किया जाएगा क्लास एक्शन क्या होगा और उसके अलावा उससे संबंधित क्या मामले होंगे कौन कौन कर सकता है तो ये जो है इसमें पूरा इस व्याख्यान नंबर आठ में जो है वो डिस्कस करा था अब जो है व्याख्यान नंबर नौ के बारे में आज डिस्कस करेंगे जिसमें कंपनी का समापन जो है वो क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हम इस अध्याय में निम्नलिखित शब्द विषयों पर चर्चा जो है वो करेंगे जिसमें कंपनी का समापन क्या होगा कंपनी का समापन क्या होता है क्या कंडीशन है या क्या प्रक्रिया है समापन में और विघटन में क्या अंतर है उसके बाद समापन के तरीक़े क्या क्या हैं वॉलेंटली जो है वो बाइंडिंग अप क्या होगा और कंपलसरी बाइंडिंग अप क्या होगा या ट्रिब्यूनल्स के द्वारा जो बाइंडिंग अप है वो क्या होगा ये इसके प्रकार हैं और कौन याचिका जो है इसके लिए दायर कर सकता है और परिसमापक क्या होता है लिक्विडेटस कैसे जो है उसको नियुक्त किया जाएगा और एक और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है सी एस आर सामाजिक उत्तरदायित्व या जो निगमित निकाय है उसका सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होगा तो ये भी जो है वो कंपनी अधिनियम 2013 का एक नया कंसेप्ट है जो इसमें जोड़ा गया है अब जो है सबसे पहले जो है परिसमापन का परिचय जो है वो डिस्कस करते हैं कि परिसमापन जो है वो क्या होता है किस जैसे हमने प्रीवियस उसमें डिस्कस करा था कि कंपनी जो है एक निगमित निकाय है और एक स्टैचूट के द्वारा बनाई जाती है और कंपनी जो है वो समाप्त भी स्टैचूट के द्वारा ही होती है या जो ट्रिब्यूनल या कोर्ट है उसके द्वारा ही समाप्त होती है बाकी जो है कंपनी किसी भी और तरीके से वो ख़त्म नहीं होती कंपनी जो है वो एग्जिस्ट रहती है तब तक जो है सबसे पहले जो है इसकी बाइंडिंग अप की जो प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट करनी होती है और यदि ये प्रूफ हो जाता है या कोर्ट को राय में या ओपिनियन में लगता है कि हाँ कंपनी का बाइंडिंग अप होना चाहिए तो कोर्ट जो है वो ऐसा आदेश दे सकती है जिसको अपन बाइंडिंग अप कहते हैं या दूसरे तरीके से बोले कि कंपनी की समाप्ति या विघटन क्योंकि ही मतलब उसकी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी और प्रूफ हो जाता है कि कंपनी जो है वो बाउंड होगी तो वो जो है वो बाइंडिंग अप कंपनी होती है अब अब परिसमापन जो है इसको अपन दूसरे शब्दों में परिसमापन भी कहते हैं या बाइंडिंग अप भी कहते हैं या उसका विघटन भी कहते हैं तो ये जो है इसमें दी हुए कि जैसे पार्टनरशिप के केसेस में क्या होता है कि पार्टनरशिप जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है जो पार, उनके मेंबर्स हैं या पार्टनर्स हैं उनकी म्यूचुअल कंसेंट से लेकिन कंपनी के केसेस में ऐसा नहीं होता कंपनी के केसेस में कंपनी तभी बाउंड होगी जब जो है उसके लिए एप्लीकेशन जो है वो ट्रिब्यूनल्स में दी हो और ये प्रूफ हो जाए कि हाँ वहाँ पर कोई मिसऑपरेशन या कोई और ऐसी चीज़ हुई है या जो वॉलेंट्री मेंबर्स जो हैं वो चाह रहे हैं कि हम कंपनी जो है वो बाइंडिंग अप करनी है तो तो जो है वो कंपनी बाउंड होगी तो ये जो है इसमें बताया गया है अब जैसे जो है प्रीवियस में जैसे पार्टनरशिप का बताया है उनने कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि जैसे दो पार्टनर ने मिलकर कोई पार्टनरशिप फर्म बनाई और उसका एक पार्टनर जो है वो डेथ हो गया तो वो फर्म जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी लेकिन यहाँ पे जो है इसके केसेस में नहीं है कि कोई भी उसके मेम्बर्स की डेथ होती है या इंस्टॉलमेंट हो जाता है या कोई और चीज़ हो जाती है तो वहाँ पर जो है वो कंपनी वाइंड अप नहीं होगी या डिज़ोल्व नहीं होगी डिज़ोल्व जो है वो कंपनी अधिनियम जो बनाया गया है उसके प्रोविजंस के अनुसार ही वो कंपनी जो है वो डिजोल्व होगी तभी जो है उसका बिकटन माना जाएगा अब ये जो है कोई भी इसको आवेदन दे के कर सकता है जो उसके शेयर होल्डर्स हैं डिबेंचर्स होल्डर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं उनको यदि लगता है कि कंपनी जो है वो बिगटन होना चाहिए तो वहाँ पर जो है वो उसके लिए आवेदन जो है वो ट्रिब्यूनल में दे सकते हैं अब इसके लिए जो है हेल्सबरी के इंग्लैंड कानून के अनुसार इसको डिफाइन भी किया है कि समापन जो है वो क्या है या बाइंडिंग अप जो है वो क्या होती है समापन एक ऐसी कार्रवाई है कि जो बाइंडिंग अप है एक प्रोसीडिंग है जो इनिशिएट होती है ट्रिब्यूनल में कि जहाँ पे कोई ऐसा आवेदन दिया गया है उसका या जो म्यूचुअल कंसेंट है पक्षकारों की जिसे अपन वॉलेंट्री बाइंडिंग अप कहते हैं तो वहाँ पे भी जो है वो कंपनी तो इसको उन्होंने बोला कि ये एक प्रक्रिया है या कार्रवाई है जिसके माध्यम से किसी कंपनी का विघटन किया जाता है और जिसके दौरान इसकी संपत्ति एकत्र की जाती है और वसूली की जाती है और इसके ऋणों के भुगतान में लागू किया जाता है और जब ये संतुष्ट हो जाते हैं तो शेष राशि अपने सदस्यों को वह राशि लौटाने पर लागू की जाती है जो उन्होंने कंपनी के लेखों के अनुसार कंपनी के योगदान को दी है इस तरह समापन एक कानूनी प्रक्रिया है मीन्स के जैसे ही आवेदन दिया गया उसकी बाइंडिंग अप के लिए और वहाँ पे जो है वो कंपनी जो है वो बाउंड अप हो जाएगी और जो है जितनी भी उसकी लाइब्रिटीज़ है वो सेटअप करने के बाद में कि जितने भी उसके मेंबर्स हैं उनकी लाइबीटी सेटअप करने के बाद में जो शेष राशि होगी वो भी जो उनके मेंबर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तभी जो है वो कंपनी बिगटित होगी तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है बाइंडिंग अप का अब जो है डिस्कस करते हैं कि समापन क्या होता है बाइंडिंग अप कंपनी का क्या होता है कि समापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी ऋणों या देनदारियों को चुकाकर कंपनी को भंग किया जाता है या समाप्त किया जाता है तो इस तरह से ये बाइंडिंग अप होती है कि मीस की जो जितने भी कंपनी के लोन्स हैं या अदर लाइबिटीज हैं उनको सेटअप कराने के बाद ही जो है वो कंपनी का समापन होता है तो इस प्रकार से समापन एक प्रक्रिया है जहाँ पे जो है कंपनी का अंत जो है होता है या कंपनी जो है वो समाप्त हो जाती है उसके बाद में जैसे ये कंप्लीट होती है प्रोसीडिंग तो कंपनी जो है वो समाप्त हो जाती है और उसकी जितनी भी असेट्स हैं और वो हैं तो उनको सेल आउट करके जितनी भी लाइबिटीज़ है पहले वो चुकाई जाती है और चुकाए जाने के बाद में जितना रिमेन अमाउंट है वो बचा रहता है उसको समापन कहते हैं अब इसकी संपत्ति का निपटान एकत्र किया जाता है और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं देनदारों को वापस कर दी जाती हैं और यदि सदस्यों द्वारा कोई योगदान दिया जाता है तो उन्हें भी वापस कर दिया जाता है इसीलिए हम कह सकते हैं कि समापन किसी कंपनी के जीवन को समाप्त करती है कि जैसे पहले अपन ने पढ़ा कि जो इनकॉपरेशन है वो कंपनी को जीवन देता है और समापन जो है वो कंपनी को समाप्त करता है तो ये इसमें इसको मीनिंग बताया गया कि ये समापन का मीनिंग है मीन्स बाइंडिंग अप का मतलब है कि ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया जैसी कंप्लीट होती है तो वो कंपनी का जो अस्तित्व है वो नहीं रहेगा तो ये इसमें बताया गया है अब कंपनी अधिनियम की धारा 2013 के अनुसार दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की धारा दो चौरानवे के अनुसार कि समापन का अर्थ यहाँ पे बताया गया कि समापन का अर्थ क्या होगा समापन या दिवाला और दिवालिया संहिता दो हजार सोलह के तहत परिसमापन जैसा लागू हो और कंपनी अधिनियम दो हजार तेरह का अध्याय इतने में इसको परिभाषित किया हुआ है तो इस तरह से जो समापन है समापन जो है एक प्रक्रिया है और जैसे ही ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है वो कंपनी जो है वो अंत हो जाती है अब यहाँ जो है समापन और विघटन में अंतर बताया गया है कि समापन की प्रक्रिया क्या होती है और विघटन की प्रक्रिया क्या होती है दोनों टर्म जो है वो अलग अलग हैं। का मतलब होता है कि जहां पे वो प्रोसीजिंग जो है वो इनिशिएट करी गई है उसकी तो वहां पे वो कंपनी जो है वो विघटित हो जाएगी मीन्स बाइंडिंग अप हो जाएगा कंपनी का और लिक्विडेशन का मतलब है परिसमापन का मतलब है कि वो कंपनी जो है वो अभी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग में है मीन्स कोर्ट में केस चल रहा है कोई और ऐसी चीज़ है तो वो उसको समापन बोलते हैं और जैसी वो समापन की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो वो कंपनी जो है वो विघटित हो जाएगी मीन्स कंपनी का अंत हो जाएगा तो समापन जो है वो एक प्रोसीडिंग है या प्रक्रिया है और विघटन जो है वो कंप्लीशन है उस पूरी समापन प्रक्रिया का अब इसके लिए जो है कुछ वो बताए हैं कि समापन और बिगटन की शर्तें इन नियमों में भिन्न हैं और किसी संगठन के अस्तित्व को कानूनी रूप से समाप्त करने की रणनीति को दो चरणों में विभाजित किया जाता है पहला जो है समापन और दूसरा जो है वो बिगटन अब समापन प्रक्रिया का पहला चरण है कि जैसे ही वो प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट होनी है किसी भी कंपनी के बाइंडिंग अप की तो ये उसका पहला चरण है क्या परिसमापन कि जहाँ पे जो है वो आवेदन दिया गया है कोर्ट में या कोर्ट ने जो है वो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट कर दी है कंपनी की तो वहाँ पे जो है उसको परिसमापन बोलेंगे अब जहाँ परिसंपत्तियों की वसूली की जाती है और देनदारियों का भुगतान किया जाता है कि जहाँ पे कंपनी अभी विकटित नहीं हुई है मतलब जो उसकी लाइब्रिटीज़ हैं वो सेटअप होनी है जो उनके मेम्बर्स हैं उनकी लाइब्रिटीज सेटअप होनी है कोई लोन है वो सेटअप होने तो उन सेटअप पूरी सेटअप होने के बाद में तो ये इसीलिए बोला है कि जो परिसमापन है वो एक प्रक्रिया है और बेटन जो है उसका कंप्लीशन है पूरी उसका और अतिशेष जो यदि कोई राशि बचती है तो जो उनके मेंबर्स हैं उनको वो लौटाई जाएगी तो इस तरह से इसमें और कंपनी या अदालत द्वारा नियुक्त तो परिसमापक समापन की कार्रवाई करता है लेकिन बेक्टन का आदेश केवल कोर्ट जो है या ट्रिब्यूनल जो है वो उसको देता है तो वहाँ पर जो है जब ये लिक्विडेशन प्रोसीडिंग जो है चलती रहती तो वहाँ पे कोर्ट जो है उसको पावर है कि वो एक लिक्विडेटर जो है वो अपॉइंट करेगा और वो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग होगी तो ये जो है प्रोसीडिंग जो है वो एक प्रक्रिया है और जो बेक्टन है वो एक कंप्लीसन ऑफ कंपनी है या जो बाइंडिंग अप कंपनी है कि कंपनी का पूरा बाइंडिंग अप हो गया है एंड हो गया तो ये इसमें परिभाषित किया हुआ है दोनों में अंतर बताया है बेक्टन और उसमें अब किसी कंपनी के समापन की विशेषताएं क्या हो सकती हैं या क्या होनी चाहिए अब किसी कंपनी के समापन की विशेषताएं है? निम्नलिखित हैं जिसको इसमें बताया है कि पहली जो विशेषता है कि कंपनी का समापन स्वैच्छिक या अनिवार्य आदेश से हो सकता है एक तो उन्होंने बोला कि जो व्यवसाय वो कर रहा है वो एक स्वैच्छिक हो सकता है स्वैच्छिक मीस के जो उनके मेंबर्स हैं शेयर होल्डर्स हैं डिबेंचर्स होल्डर्स हैं या कोई और है क्रेडिटर्स हैं या जो उनके और मेंबर हैं वो चाह रहे हैं कि कंपनी जो है हमें आगे नहीं बढ़ानी तो वो वॉल्ट्री जो है वो कंपनी का समापन जो है वो कर सकते हैं तो ये जो है वो स्वैच्छिक या अनिवार्य हो सकती है दोनों ये इसकी फर्स्ट विशेषता है दूसरा जो है इससे कंपनी का परिचालन बंद हो जाता है मींस जो कंपनी अपना व्यवसाय कर रही है तो वो व्यवसाय जो है उसका बंद हो जाता है कि जैसे ही उसकी बाइंडिंग अप प्रोसीडिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो वो वहां पे फिर वो कोई बिजनेस फर्दर नहीं कर सकती क्योंकि जो है एक बार कंपनी बाइंडिंग अप हो गई तो फिर जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता अब लॉ में जो है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है उस कंपनी का जब तक वो कंपनी बाइंडिंग वो बाइंडिंग अप नहीं हुई है तब तक जो है उसका अस्तित्व रहता है जैसी कंपनी बाइंडिंग अप हो गई उसके बाद उस कंपनी का कोई अस्तित्व जो है वो नहीं रहता तीसरा परिसमापन प्रतिवर्ती नहीं और कंपनी परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद समापन प्रक्रिया को पूर्ववत नहीं कर सकती कि जैसी एक बार बाइंडिंग या प्रोसीडिंग पूरी हो गई उसके बाद जो है वो कोई भी मेंबर्स जो है वो उसके मतलब रिवाइवल के लिए या उसके लिए कोई ऐसा आवेदन नहीं कर सकता ये इसमें क्लियर जो है वो कंपनी अधिनियम में प्रोविजंस जो है वो मेंशन है कि एक बार कंपनी का एंड हो गया तो फिर जो है उसका रिवाइवल नहीं होगा फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है परिसमापन प्रक्रिया एक कानूनी तरीका है और इसे कॉपोरेट नियमों का पालन करना होगा ये एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर्स को जो है वो मेंबर्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा तभी जो है वो कंपनी का बाइंडिंग अप होगा तो ये कुछ विशेषताएं है जो हैं वो बताई हुई हैं अब डिस्कस करते हैं कि कारण होंगे या किसी कंपनी को बाइंडिंग अप करने के क्या कारण हो सकते हैं अब किसी कंपनी को बंद होने के निम्न कारण हो सकते हैं पहला कि यदि कंपनी दिवालिया हो या अपने आप को दिवालिया घोषित कर ले तब जो है वो कंपनी समाप्त हो जाएगी कि यह अक्सर समापन का सबसे आम कारण है कि जहाँ पे कंपनी को अपने आप को इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कराना है या सपोज वो चाह रही कि मुझे अपनी लाइबिटीज नहीं देनी है किसी को तो वहाँ पे जो है ये दिवालियापन जो है वो उसको कंपनी को घोषित कर देंगे और वहाँ पे जो है वो कंपनी को बाइंडिंग अप करा लेंगे ये जो है वो एक महत्वपूर्ण कारण है जिस कारण से कंपनी जो है वो बाइंडिंग अप होती है तो इसे परिसमापन के लिए मजबूर किया जा सकता है और ऐसा तब हो सकता है जब नकदी प्रवाह काफ़ी धीमा हो जाता है और जो महत्वपूर्ण नुकसान होते हैं जिससे कंपनी के लिए अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करना असंभव हो इसीलिए जो है वो इंसॉल्वेंसी जो है वो डिक्लेयर कर लेती इसके बाद है दूसरा समझौते द्वारा विघटन कि जहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं चाहे वो शेयर होल्डर्स हों डिबेंचर्स होल्डर्स हों क्रेडिटर्स हो, उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट से बोली कि अब अपना बिजनेस जो है वो घाटे में चल रहा है या हमें नहीं चलाना आगे कोई ऐसा बिजनेस तो वहाँ पे जो है वो सारे मेंबर्स जो है वो म्यूचुअल कंसेंट से आपसी सहमति से उस कंपनी को जो है वो विकतरित कर सकते हैं तो ये ये भी कारण हो सकता है कि म्यूचुअल कंसेंट से उनको अब बिज़नेस आगे नहीं बढ़ाना है तो वहाँ पर भी वो आपसी सहमति से उसको के उसका विघटन कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं कंपनी को नेक्स्ट है वैधानिक मांग कि जहाँ पे जो कोई स्टैचूट्री डिमांड है या लॉ के अनुसार आपने कोई प्रोविजंस को वॉयलेट करा है वॉयलेट करने के बाद में जो है और मिसमैनेजमेंट करा है तो वहाँ पे है कि स्टैचूटरी कोई डिमांड है वहाँ पे या स्टैचूट की रिक्वायरमेंट है कि वो कंपनी जो है वो नहीं चलेगी तो वहाँ पे भी जो है वो कंपनी ख़त्म हो जाएगी ठीक है तो जिसमें जो कि यदि किसी लेनदान ने किसी कंपनी को भुगतान के लिए वैधानिक मांग की है और यदि कंपनी निर्धारित अवधि 21 दिन के भीतर पुष्टि किए गए ऋण का भुगतान करने में विफल रहती है मीन्स के जो ने आपने लोन दिए हुए हैं अब वो लोन पे करने में आप विफल हो रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है वो कंपनी जो है वो बंद हो सकती है और उसके लिए आवेदन दिया जा सकता है उसकी समाप्ति के लिए नेक्स्ट जो है वो न्यायालय का आदेश या जो ट्रिब्यूनल है उसका आदेश अब कोई ऐसा आवेदन दिया गया है उसके लिए और ये प्रूफ जो हो जाता है कि कंपनी जो है वो बंद होनी चाहिए तो वहाँ पे जो है कोर्ट को ये पावर ट्रिब्यूनल्स को ये पावर है कि वो कंपनी को जो है वो डिजोल्व कर सकती है तो ये इसमें मेंशन की हुआ नेक्स्ट जो है व्यवसाय शुरू करने या जारी करने में असमर्थता कि जहाँ पर कोई कंपनी है ऐसी अब वो अपना व्यवसाय जो है वो चला नहीं पा रही है या सही तरीके से चल नहीं रहा है उसका व्यवसाय तो उसके बेसिस पे भी वो अपनी कंपनी कम, को बाइंडिंग अप करा सकता है कि हमें जो है अब कंपनी बाइंड अप करनी है या समाप्त करनी है क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है फ्यूचर में नहीं चलेगा तो इसीलिए जो है वो इस पर आवेदन दे सकती है उसके बिक्टन का नेक्स्ट जो है समापन के तरीकों का विश्लेषण कि क्या इसके काइंट हैं बाइंडिंग अप के क्या तरीके होते हैं किन तरीकों से कंपनी जो है बाउंड होती है या बाइंडिंग अप होती है या कंपनी का समापन होता है तो इसमें जो है दो तरीके बताए गए हैं कंपनी के समापन के एक तो अनिवार्य समापन और दूसरा स्वैच्छिक समापन मीन्स कि ऐसा कोई समापन जो ट्रिब्यूनल्स के द्वारा किया गया हो और एक ऐसा कोई समापन जो स्वैच्छिक हो स्वैच्छिक ट्रिब्यूनल्स या अनिवार्य समापन मीन्स कि जहां पे कोई आवेदन दिया गया है तो वो स्टैच्यू के अनुसार जो है उसका डिजोल्व होगी वो कंपनी और स्वैच्छिक मतलब जहां पे वो मेंबर्स हैं वो नहीं चाह रहे हैं वॉल्टी है मतलब ऐसा कोई वो नहीं है तो वहां पर जो है वो स्वैच्छिक होगा उसका परिसमापन तो ये दो तरीके जो है इसमें बताए गए हैं समापन के अब एक कंपनी का अस्तित्व तब होता है कि जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा पंजीकृत हो जाती मींस इसमें मेंशन किया है कि जो कंपनी का जो स्टार्ट होता है कि जब कंपनी इनकोपरेटिड होती है और जो उसका सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉपरेशन इशू हो जाता है तो वो कंपनी एक जन्म लेती है और यहाँ पे जो है बिक्टन का मतलब है कि जहाँ पे पूरी प्रोसीडिंग कंप्लीट कर ली गई है उसके बिक्टन की तो वहाँ पे जो है वो बिकटन माना जाएगा और वो अंत माना जाएगा कंपनी का तो इसको दो उसमें विभाजित किया है अनिवार्य और स्वैच्छिक आप जो है डिस्कस करते हैं कि अनिवार्य समापन जो है वो क्या होता है या जो कंपलसरी रेजोल्यूशन है वो क्या होगा अनिवार्य समापन तब होगा जब कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है और जब कंपनी को न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा बंद करने का आदेश दिया जाता है मीन्स कि जहां पे कंपनी ने अपने आप को इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर लिया है और ऐसा कोई आवेदन जो है उसने न्यायालय में या ट्रिब्यूनल में जो है वो प्रस्तुत किया है कि वो कंपनी जो है वो बाइंडिंग अप करें तो वहाँ पे जो है उसको अनिवार्य समापन कहेंगे तो इसे कंपनी का अनिवार्य समापन कहा जाता है यदि कंपनी परिसमापन में आती है तो कानून की जो कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है परिसमापन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक परिसमापक या लिक्विडेटर जो है वो अपॉइंट करती है नियुक्त करती है अब कंपनी अधिनियम की धारा 270 ट्रिब्यूनल द्वारा समापन से संबंधित है इससे संबंधित जो है वो प्रावधान जो है वो दिए गए हैं मींस के अनिवार्य समापन का मतलब होता है कि जहां पे ट्रिब्यूनल में कोई आवेदन दिया गया है कि वो कंपनी जो है वो समाप्त हो स्टैचूट्स के अनुसार तो वो जो है कंपलसरी बाइंडिंग अप है और वो जो है जो ट्रिब्यूनल है उसी में फाइल होगी अब जानबूर कर किया गया मामला अदालत या परिषद की मध्यस्थता के बिना होता है अधिकांश भाग के लिए है एक मोड होता है अब कुछ कंडीशन बताई गई है अनिवार्य समापन की पहला कि जब संगठन अपनी पूर्व निर्धारित अवधि को समाप्त कर देता है या विशिष्ट अवसरों की घटना के कारण जिसके कारण संगठन को बिकटित होना पड़ता है और यदि संगठन बिकतिन के लिए सामान्य लक्ष्य को स्वीकार करता है तो पारित होगा इनने बोला कि जो उनके लक्ष्य हैं कंपनी के वो या जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य है कि सपोज हमें वो कंपनी की ज़रूरत 20 साल तक थी या 20 साल के बाद उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कंपनी की तो वहाँ पे जो है वो अब उसके लिए कोई ऐसा आवेदन दिया तो वो कंपलसरी जो है वो बाइंडिंग अप के उसमें आएगा दूसरा कि यदि कंपनी को बंद करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव कारित किया गया है मीन्स के जहाँ पर एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया है कंपनी के द्वारा तो वहाँ पे भी कि वो कंपनी जो है वो बाइंडिंग अप होगी उनके मेंबर्स के द्वारा या जो और रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनके द्वारा कोई स्पेशल रेजोल्यूशंस पास किया गया तो वो कंपनी जो है वो बाउंड अप होगी नेक्स्ट इसके जो मोड बताए हैं कि और क्या हो सकते हैं तो इन्होंने बोला कि कोई ऐसी बीमार कंपनी है बीमार कंपनी मींस कि जहाँ पे जो उसका बिजनेस नहीं कर रहा है वो पड़ी हुई है उसने कोई ऐसा बिजनेस नहीं करा तो वहाँ पे भी उस कंपनी को वो बाइंडिंग अप के लिए करा सकते हैं नेक्स्ट जो है कोई ऐसा विशेष प्रस्ताव पारित किया है तब भी जो है वो कंपनी के बाइंडिंग अप से संबंधित तब उसको करा सकते हैं अब राज्य के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य किया गया है कि ऐसा कोई कार्य किया गया है जो स्टेट्स के उसमें हो तो वहाँ पे भी जो है कंपलसरी बाइंडिंग अप जो है वो होगी अब व्यवसाय का कपटपूर्ण आचरण कि जहाँ पे जो व्यवसाय कंपनी कर रही है उसका कपटपूर्ण आचरण जो है वो किया गया है तब भी जो है वो कंपनी जो है वो कंपलसरी बाइंडिंग अप में जाएगी अब रजिस्ट्रार के पास ऐसे कोई वित्तीय विवरण दाखिल करने में विफलता कि जो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या मिसमैनेजमेंट किया गया है उसका या कोई अन्य तरीका जो है जो रजिस्टार के लिए कंपलसरी था मैंडेटरी था उसको फाइल करना तो वो यदि उसने नहीं किया है तो वहाँ पे भी वो कंपलसरी बाइंडिंग अप में जाएगी फिर इसे ख़त्म करना उचित यदि न्यायालय को अन्य कोई ऐसे कारण न्याय या उचित लगते हैं तो उस कारण पे भी वो कंपनी जो वो कंपलसरी बाइंडिंग अप में जाएगी अब कंपलसरी बाइंडिंग अप की प्रक्रिया क्या होती है तो इस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि ट्रिब्यूनल द्वारा कंपनी को अनिवार्य रूप से बंद करने की निम्नलिखित प्रक्रिया बताई गई है पहला कि ट्रिब्यूनल द्वारा जबरन समापन के लिए कंपनी की पात्रता को सत्यापित करने के लिए कंपनी के ऋण क्रेडिट की जांच करने के लिए धारा 275 के तहत कंपनी में परिसमापक की नियुक्ति होगी कि जहाँ पे कोई ऐसा आवेदन दिया गया है कंपनी के बाइंडिंग अप में तो वहाँ पे जो है कोर्ट सबसे पहले जो है एक परिसमापक की नियुक्ति होगी नियुक्ति करेगी और वो परिसमा समापक जो है वो ऐसे कर्तव्यों का निर्माण करेंगे और पूरी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जो है वो करेगा कि क्या इसमें वो है दूसरा कि नियुक्ति के बाद परिसमापक अधिनियम की धारा दो के अनुसार ट्रिब्यूनल को एक रिपोर्ट देगा कि जहां पे उसने परिसमापक अपॉइंट हो गया तो वो उसके जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस को देखते हुए अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा कि क्या क्या मिसमैनेजमेंट या ऑपरेशन जो है वो इसमें किए गए हैं उस रिपोर्ट के बेसिस पे अपना डिसीजन जो है वो प्रनाउंस करेगा नेक्स्ट कि ट्रिब्यूनल अधिनियम की धारा दो के तहत कंपनी को भंग करने के लिए समापक को आदेश जारी कर सकता है कि जो परिसमापक ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है तो उस रिपोर्ट के बेसिस पर कंपनी के बाइंडिंग अप से संबंधित जो है वो न्यायालय जो या ट्रिब्यूनल जो है वो ऐसा आदेश दे सकता है और जिसके अनुसार कंपनी कंपनी की संपत्ति जितने भी लेनदार हैं और कंट्रीब्यूटर हैं को संतुष्ट करने के लिए पूरे जितनी भी फंड है उसकी उसको हस्तांतरित कर सकता है नेक्स्ट अंत में न्यायालय देनदारों और अन्य योगदानकर्ताओं के दायित्व को हल करने में परिसमापक द्वारा न्यायालय को प्रदान किए गए ऑडिट और रिपोर्ट की सावधानपूर्वक समीक्षा करेगा कि क्या कंपनी में ऐसे मिसमैनेजमेंट हुए हैं ऑपरेशन हुए हैं क्या इसका प्रॉफिट है क्या टर्न है तो ये सारी चीज़ें जो है वो परिसमापक है वो देगा अब इसके बाद डिस्कस करते हैं कि स्वैच्छिक समापन क्या होता है स्वैच्छिक समापन मीन्स वॉलेंटरली बाइंडिंग अप कि जहाँ पे जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी इच्छा से चाह रहे हैं वो कंपनी का बाइंडिंग आपको तो इसके लिए भी उन्होंने बताया कि ये भी जो है वो दो प्रकार की होती है स्वैच्छिक समापन को दो भागों में बांटा जा सकता है पहला जो है सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन और दूसरा जो है लेनदारों द्वारा स्वैच्छिक समापन सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन से मतलब है कि जो उनके मेंबर्स हैं उन्होंने आपसी सहमति से ये ठान लिया है कि अब कंपनी को जो है वो हमें आगे नहीं बढ़ाना है या आगे नहीं चलाना है तो वहाँ पे जो है वो एक रेजोल्यूशन्स जो है वो पास करते हुए ये फाइल करेंगे और वहाँ पे जो है एक आवेदन देंगे ट्रिब्यूनल्स को और टिब्नल्स जो है उसको कंपनी को बाइंडिंग अप कर देगा और जितनी भी लाइब्रेटी सेटअप हैं वो सेटअप करने के बाद में कोर्ट जो है वो बाइंडिंग आपका ऑर्डर जो है वो पास करेगा अब इस प्रकार समापन तब होगा जब कंपनी बिलेयक होती है और कंपनी को निदेशक मंडल की बैठक में अपनी शोधन क्षमता घोषित करने की आवश्यकता होती है और इस घोषणा से निदेशकों की यह राय पूरी होनी चाहिए कि कंपनी पर कोई ऋण या कर्ज नहीं है मतलब ये प्रूफ करना पड़ेगा इसमें वॉलेंट्री में कि यदि कोई ऐसे कर्ज या ऋण नहीं है तो वहां पर जो है कोर्ट जो है वो ये ऐसा आदेश दे सकती है उसके परिसमापन का और उनकी नियुक्ति के साथ साथ बोर्ड प्रबंध निदेशक और प्रबंधन की सभी शक्तियाँ तब तक समाप्त हो जाती हैं जब तक कि आम बैठकें से मंजूरी नहीं देती और परिसमापक को समापन की प्रक्रिया तय करने और अपने लेन देन का हिसाब किताब रखने के लिए सालाना आम बैठक बुलानी पड़ती और आम बैठक में निर्णय लिया जाता है उसके डेजोल्यूशन्स का ये सदस्यों का स्वैच्छिक समापन है इसके बाद लेनदारों का स्वैच्छिक समापन जो क्रेडिटर्स हैं वो भी इसका स्वैच्छिक समापन करा सकते हैं कि इस प्रकार का समापन तब होता है जब कंपनी द्वारा सॉल्वेंसी की घोषणा की जाती है कि कंपनी जो है वो सॉल्वेंट है यानी जब कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसके केसेस में जो है वो आवेदन दे सकते हैं और जो क्रेडिटर्स हैं वो भी आवेदन दे सकते हैं कि वो उस कंपनी को समाप्त किया जाए इसीलिए यह कंपनी के ऋणदाताओं को सदस्यों पर हावी होने का अधिकार नहीं देते ताकि वो इनके खिलाफ विरोध ना करें इसके लिए कंपनी को लेनदारों और बोर्ड के साथ एक बैठक आयोजित करनी होगी और इस बैठक में क्लियरली जो है वो उससे संबंधित जो है मेंशन होगा कि वो कम क्यों ना वो कंपनी समाप्त कर दी जाए यदि कंपनी जो है जिन्होंने कोई ऐसे लोन लिए हैं वो ऋण चुकाने में असमर्थ हैं तो वहाँ पर भी उसका समापन हो सकता है और लेनदारों और सदस्यों दोनों अपनी अपनी बैठकों में एक परिसमापक नियुक्त करते हैं वॉलेंट्रली और वो जो परिसमापक नियुक्त किया गया है तो वो सारी रिपोर्ट जो है वो बनाएगा कि क्या उसके लेनदार हैं कितना कितना किसको देना है तो ये सारे राइट वो डिसाइड करने के बाद में वो कंपनी जो है वो बाइंडिंग अप होगी जिसे लेनदारों द्वारा स्वैच्छिक समापन बोलेंगे इसके बाद कंपनी को स्वेच्छा से बंद करने की प्रक्रिया क्या होगी कि ये कंपनी जो है वो स्वेच्छा से कैसे बंद होगी और क्या प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी अब कंपनी को स्वेच्छा से बंद करने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित जो है वो कारण बताया निम्नलिखित चरणों में वो बंद की जा सकती है पहला निदेशक के साथ एक बोर्ड बैठक बुलाए कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो एक बोर्ड बैठक बुलाएं और निदेशकों के एक बयान के साथ कि प्रस्ताव की मंजूरी दे कि उन्हें व्यवसाय के खातों की जांच की है और अपनी कोई दायित्व तो नहीं है और कंपनी स्वैच्छिक रूप से बेची गई संपत्ति की आय से भुगतान करेगी कंपनी का समापन हो जाएगा मीन्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई गई है उस मीटिंग में ये क्लियरली डिसाइड किया कि, कि किसी का हमें कुछ नहीं देना ना कोई लेन देन है ना किसी की लाइबिटीज़ है और यदि उस रिपोर्टों में ये प्रूफ हो जाता है कि कोई ऐसी लाइबिटीज़ नहीं है तो वहाँ पे वो कंपनी जो है स्वैच्छिक समाप्त हो जाएगी दूसरा प्रस्तावों का प्रस्ताव देने वाली कंपनियों की आम बैठक बुलाने वाले नोटिस लिखित रूप में होने चाहिए कि जो उनकी बैठक बुलाई गई है उसके लिए एक नोटिस जो है वो जितने भी मेंबर्स हैं या रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको दिया जाना चाहिए कि हम जो है उस कंपनी को जो है वो व्यक्तित करना चाहते तो उसका एक नोटिस जो है वो उनको दिया होना चाहिए थर्ड सामान्य बैठक में साधारण बहुमत से कंपनी के समापन के लिए सामान्य प्रस्ताव पारित करना और इसका जो है तीन बटे चार जो है बहुमत द्वारा साधारण उस मीटिंग में होना चाहिए और कंपनी का समापन की तारीख से शुरू हो तो ये जो है इसमें तो कि सामान्य बैठक में साधारण बहुमत से एक संपल्प संकल्प जो है वो पारित हो और उसमें थ्री बटे फोर जो है वो बहुमत के सदस्य जो है उसमें अपनी वोटिंग दें और उन्होंने प्रूव कराओ कि हाँ हमें कंपनी जो है वो नहीं चलानी है नेक्स्ट जो है लेनदारों की बैठक उसी दिन या समापन प्रस्ताव पारित होने के अगले दिन होनी चाहिए यदि दो तिहाई लेनदार इस बात से सहमत हैं कि कंपनी को बंद करना है कि जहाँ पे दो तिहाई से अधिक जो लेनदार हैं या क्रेडिटर्स हैं वो चाहते हैं कि कंपनी जो है हमें बंद करनी है अब हम कंपनी को आगे नहीं चलाएंगे या ऋण नहीं देंगे तो वहाँ पे जो है वो उसका समापन हो जाएगा कंपनी का इसके बाद जो है नेक्स्ट जो चरण है कि परिसमापन की नियुक्ति के लिए एक अधिसूचना दस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जानी चाहिए कि जहाँ पे उन्होंने अपनी म्यूचुअल कंसन से कोई परिसमापक जो है वो नियुक्त करा है तो वहाँ पे जो है उसकी अधिसूचना जो है उस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को जो है वो दस दिन के भीतर हो जानी चाहिए कि परिसमापन से संबंधित हमने परिसमापक जो है वो नियुक्त किया हुआ है तो ऐसा जो है कंपनी के समापन का प्रस्ताव पारित होने के बाद में एक उसकी कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार को सबमिट होनी चाहिए नेक्स्ट जो है कि समापन के लिए कंपनी की आम बैठक में पारित सामान और असाधारण प्रस्तावों की प्रमाणित प्रतियां तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजनी भेज भेजनी चाहिए कि जहाँ पे जो बोर्ड बैठक में कोई ऐसे रेजोल्यूशंस पास किए गए हैं चाहे वो जनरल रेजोल्यूशन हो या स्पेशल रेजोल्यूशन हो तो उनकी जो प्रमाणित प्रतियां हैं वो 30 दिन के भीतर जो है वो कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार को जो है वो भेजी जानी चाहिए नेक्स्ट जो है कंपनी के मामलों को समापन के अधीन होना और समापन खाते के परिसम के खातों को तैयार और ऑडिट किया जाना कि जो उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करे हैं रिपोर्ट बनाई है फाइनल रिपोर्ट्स तो वो जो है वो परिसमापक जो है उनको इंस्पेक्ट करेगा और इंस्पेक्ट करने के बाद में यदि उसको लगता है तो वो कंपनी जो है वो समापन में चली जाएगी या स्वैच्छिक समापन में चली जाएगी नेक्स्ट वो है कि जब कंपनी के मामले पूरी खत्म हो चुके हैं और व्यक्टित होने वाली हो कंपनी की पुस्तकों और दस्तावेजों के निपटान के लिए एक विशेष संकल्प जो है अधिनियमित किया जाएगा कि जो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं यदि कोई ऐसी लाइब्रेरीज हैं तो वो उसमें पूरा चेक करेंगे चेक करने के बाद में जो है कोर्ट या जो बोर्ड है वो डिसाइड करेगी कि हाँ अब कोई लाइब्रेरीज नहीं है और कंपनी जो है वो समाप्त होनी चाहिए नेक्स्ट जो है कंपनी के आम बैठक के बाद दो सप्ताह के भीतर आबेदक खातों की एक प्रति और बिकटन के आदेश के लिए ट्रिब्यूनल में एक आवेदन दाखिल करना चाहिए कि जहां पे आम बैठक में दो सप्ताह के भीतर आबेदक खातों की एक प्रति कि जितने भी आबेदक खाते हैं या बुक शॉप अकाउंट हैं सपोज़ शेयर होल्डर्स हैं डिवेंचर्स होल्डर्स हैं तो उनकी यदि लाइब्रेटीज है कोई तो उनकी पूरी अकाउंट डिटेल और ये सारी जो है इनकी एक प्रति जो है वो रजिस्ट्रार को सबमिट होनी चाहिए नेक्स्ट जो है आवेदन प्राप्त होने के साठ दिन के भीतर ट्रिब्यूनल को फॉर्म को भंग करने का आदेश जारी करना होगा कि जैसे ही आवेदन किया है उसमें साठ दिन के भीतर जो है रजिस्ट्रार को पावर है कि वो उसके बिगटन को जो है वो कंप्लीट करेगा और उसके उससे संबंधित जो मैटर है वो कंप्लीट करेगा और उसके भीतर जो है उसको पूरा मामला जो है वो सुलझाना पड़ेगा नेक्स्ट जो है कि कंपनी परिसमापक को रजिस्ट्रार के पास आदेश की प्रति दाखिल करनी होगी कि जो कंपनी परिसमापक है जो म्यूचुअल कंसेंट से उन्होंने अपॉइंट कराया है तो उसमें जो है वो बिक्टन की जो उनकी कंसेंट है पूरी या म्यूचुअल कंसेंट है तो वो जो है उसकी एक प्रति जो है वो रजिस्ट्रार के पास में दाखिल करनी होगी नेक्स्ट जो है कि ट्रिब्यूनल के फैसले की एक प्रति प्राप्त करने के बाद रजिस्ट्रार आधिकारिक रूप से एक नोटिफाइड करेगा कि ये फला कंपनी जो है वो समाप्त हो गई है उसका बिग टर्न हो गया है या वो कंपनी जो है वो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है तो ऐसा ही एक नोटिफिकेशन जो है वो इशू करेगा अब नेक्स्ट है कि समापन के लिए कौन याचिका दायर कर सकता है कि, कि किसी कंपनी का समापन होना है उस समापन के लिए कौन व्यक्ति जो है वो याचिका दायर कर सकता है तो कंपनी अधिनियम की धारा दो के अनुसार समापन की याचिका न्यायाधिकरण में प्रस्तुत की जाएगी जनरली जो है जो कंपलसरी बाइंडिंग अप है उसकी जो याचिका है वो ट्रिब्यूनल में जो है वो दाखिल की जाएगी इससे संबंधित प्रावधान जो है इसमें मेंशन किए अब उन्होंने बोला कि ऐसी याचिका दायर जब की जाएगी तो कौन व्यक्ति जो है ऐसी याचिका जो है वो दायर कर सकते हैं तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि कंपनी स्वयं जो है वो याचिका दायर कर सकती है मीन्स के जो उसके अथोराइज पर्सन है वो भी याचिका दायर कर सकते हैं फॉर तो दी बाइंडिंग अप तो कंपनी यदि ऐसे कोई उसके हित के अगेंस्ट में कोई ऐसा कार्य किया गया है जो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो या उनके प्रोविजंस को कोई वायलेट कर रहा है तो वहाँ पर जो है कंपनी स्वयं जो है वो बाइंडिंग अप के लिए एप्लीकेशन जो है वो दायर कर सकती है दूसरा कोई योगदानकर्ता हो या कंट्रीब्यूटर्स तो जहाँ पे जिन्होंने कंट्रीब्यूट्स किया है मीन्स जो क्रेडिटर्स हैं और डिबेंचर्स होल्डर्स हैं तो वहाँ पे जो है वो एक आवेदन जो है वो फाइल कर सकते हैं तो ये व्यक्ति भी एलिजिबल है आवेदन फाइल करने के लिए जहाँ पे क्रेडिटर्स ने कोई ऐसे लोन दिए उस कंपनी को और वो उसके रजिस्टर्ड क्रेडिटर्स हैं और वो नहीं चाहते कि अब कंपनी जो है वो आगे बढ़े तो वहाँ पर भी वो आवेदन जो है वो फाइल कर सकते हैं फॉर दी बाइंडिंग अप कंपनी नेक्स्ट जो है पंजीयक कि जो ऑडिटर है उस कंपनी का वो भी एलिजिबल है उसको आवेदन वो करने में कि जहाँ पे कोई ऐसा मिसमैनेजमेंट या मिस ऑपरेशन हुआ है तो वहाँ पे वो व्यक्ति जो है वो भी एलिजिबल है उसके ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट के लिए चौथा सरकार की ओर से कोई भी व्यक्ति कि जहाँ पे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई ऐसा आवेदन दिया गया है कि फला कंपनी जो है वो उसका मिस ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हुआ है और उसकी राय में ये लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि हाँ ये कंपनी जो है वो बाइंडिंग अप होनी चाहिए तो उसके द्वारा जो अपॉइंट व्यक्ति है वो भी आवेदन कर सकता है बाइंडिंग अप के लिए नेक्स्ट जो है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों के द्वारा ठीक है एक तो अपॉइंट किया गया व्यक्ति एक उन्होंने बोले कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा जो है वो ऐसा कोई यदि उसकी उसमें लगता है राय में है कि हाँ ये डीम्ड फिट है फॉर दी बाइंडिंग अप तो वहाँ पे जो है वो उस कंपनी को बाइंड अप कर सकती है अब कंपनी का समापक कि जो कंपनी का समापक जो है जो या तो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया हो या पार्टीज के द्वारा सॉरी कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया गया हो तो दोनों जो है उन्होंने जो उनकी रिपोर्ट है उसके रिपोर्ट के आधार पर भी वो कंपनी जो है वो बाइंडिंग अप तो परिसमापक जो है वो भी आवेदन कर सकता है फॉर दी बाइंडिंग अप तो ये भी व्यक्ति भी एलिजिबल है बाइंडिंग अप के लिए नेक्स्ट जो है कंपनी का एक न्यायिक प्रबंध कि जो उनके जुडिशियल मैनेजर हैं वो व्यक्ति भी एलिजिबल है उसकी जो कंपनी है उसके अप के लिए और वो जो है वो भी आवेदन कर सकते हैं ट्रिब्यूनल में फॉर दी बाइंडिंग अप और कानून का एक न्यायिक प्रबंध और जो लॉ मिनिस्टर हैं वो भी रिकमेंड कर सकते हैं कि हाँ ये दी जो कारण है उन कारणों से जो है वो कंपनी बाइंड अप होगी तो ये व्यक्ति जो है वो एलिजिबल है वो फॉर दी प्रोसीडिंग फॉर दी बाइंडिंग अप अब जो है समापन आदेश का प्रभाव क्या होगा या इफेक्ट क्या होगा तो जब धारा दो सौ के तहत पात्र किसी भी व्यक्ति द्वारा याचिका दायर की जाती है तो ट्रिब्यूनल जो है आवेदन का अध्ययन करने और विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद मामले की पुष्टि कर सकता है और उसे रद्द कर सकता है पुष्टि होने पर ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया के तहत आगे की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है मीन्स के जहाँ पे कोई ऐसा आवेदन जो है वो किया गया है दो के तहत तो उस आवेदन को कोर्ट जो है पहले उसको पढ़ेगा या परीक्षण करेगा और परीक्षण करने के बाद में यदि ऐसे तथ्य सामने आते हैं कोर्ट के सामने तो वहाँ पर जो है कोर्ट जो है वो बाइंडिंग अप के लिए एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर लेगा या उसे रद्द कर सकता है और पुष्टि होने पर ट्रिब्यूनल प्रक्रिया के तहत आगे की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएगा कि जहाँ पे इसकी पुष्टि हो गई कि हाँ ये ठीक है चलने योग्य प्रोसीडिंग है तो वहाँ पे जो है उस मैटर को सुनेगा और कोर्ट जो है उस पर फिर अपनी आगे की जो प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट करेगा और जब समापन आदेश पारित कर दिया एक बार जब समापन आदेश पारित कर दिया तो परिसमापक नियुक्त किया गया है तो कोई भी मुकदमा या अन्य कार्रवाई जो है वो शुरू नहीं की जाएगी मीन्स कि जहाँ पे एक बार बाइंडिंग ऑफ प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हो गई तो उसके बाद जो है कोई और अन्य प्रोसीडिंग जो है वो शुरू नहीं की जाएंगी ये, कि ये नहीं कि मेरी लाइब्रिटी सेटअप करो या कोई वहाँ पे उस बीच में कोई भी ऐसी अन्य प्रोसीडिंग जो है वो उसके अगेंस्ट में नहीं की जाएगी और ऐसी शर्तों के अधीन आगे बढ़ने की उम्मीद की जाएगी न्यायाधिकरण जो है इससे संबंधित वो होता है तो ये जो है समापन आदेश का प्रभाव होता है कि जैसी प्रोसीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई तो वो कंपनी जो है वो समाप्त हो जाएगी या उसका कोई अस्तित्व जो है वो नहीं रहेगा तो ये समापन आदेश का इफेक्ट जो है वो इसमें बताया गया है अब जो है कंपनी अधिनियम दो के अधीन जो है कुछ प्रावधान जो है वो बताए कि किन किन कंडीशन में जो है वो बाइंडिंग अब होगी या वो क्या प्रोविजन है या वो क्या कंडीशन है या वो क्या कारण है जिन कारणों से कंपनी जो है वो बाइंड अप होती है अब वो चाहे वॉलेंट्री हो या कंपल्सरी हो कि किसी कंपनी को न्यायाधिकरण द्वारा बंद किया जा सकता है यदि कंपनी कर्ज ना चुका सके ठीक है तो ये पहला जो है इसका कारण है कि जहाँ पे कंपनी ने बहुत सारे कर्जे जो हैं वो लिए हुए हैं और उस कर्जों में वो अब फेल हो जाए या जो लेनदार है उनको उनको कर्जा देने में फेल हो जाती है तो वहाँ पे जो है वो कंपनी जो है वो बाइंडिंग अप होगी या उसका एक कारण है जिसके बेसिस पे जो ट्रिब्यूनल है वो कंपनी को बाइंडिंग अप कर सकता है कि जहाँ पे वो डिक्लेयर करे थे कि हम ये कर्जे जो है वो नहीं चुका सकते तो वहाँ पर जो है आवेदन दिया जा सकता है फॉर दी बाइंडिंग अप जो ट्रिब्यूनल है उसके यहाँ दूसरा है संगठन ने निवेश प्रस्ताव के माध्यम से निर्णय लिया है और इसे न्यायाधिकरण के माध्यम से समाप्त किया जाना चाहिए कि जहाँ पे कोई ऐसा रेजोल्यूशन्स पास किया गया है कि कंपनी जो है वो बाइंडिंग अप होगी तो वहाँ पे भी जो है वो कंपनी जो है वो बाउंड अप होगी तो ये जो है दूसरा जो है प्रोविजन्स जो है वो इसमें मेंशन किया हो गया है कि जहाँ पे रेजोल्यूशंस पास किया गया है और जो ट्रिब्यूनल है उसको अप्रूव कर दिया गया है तो वहाँ पर जो है वो समाप्त होगी नेक्स्ट जो है कि कंपनी ने भारत की संप्रभुता और अखंडता और राज्य की सुरक्षा विदेशी राज्यों के साथ मधुर संबंध के उनके साथ व्यापार और सार्वजनिक व्यवस्था शालीनता और नैतिकता के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य किया है कि जो कंपनी है उसने देश की संप्रभुता अखंडता राज्य की सुरक्षा विदेशी राज्यों के साथ जो मधुर संबंध थे उनसे कोई ऐसा व्यापार किया है विदेशी शत्रु उनके साथ में कोई ऐसा व्यवहार किया है शालीनता और नैतिकता के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य किया है तो वहाँ वो भी एक ग्राउंड है फॉर दी बाइंडिंग अप ऑफ दी कंपनी मतलब कोई ऐसी देशद्रोही कोई ऐसी कंपनी ने गतिविधियाँ की हैं तो वहाँ पे भी एक ये कारण है या जो राज्य की सुरक्षा है उनसे संबंधित कोई ऐसी गतिविधियाँ की हैं या विदेशी राज्यों से कोई ऐसे व्यापार करें हैं जो शत्रु देश हैं उनसे कोई ऐसे व्यापार करें हैं या नैतिकता या शालीनता के विरुद्ध जो है उसके अगेंस्ट में कोई ऐसे कार्य करे हैं तो वहाँ पर जो है वो कंपनी बाइंड अप या उसका आधार है कि वो कंपनी जो है वो बाइंडिंग अप होगी नेक्स्ट जो है कि यदि इस अधिनियम के तहत अधिसूचना के माध्यम से मुख्य सरकार के माध्यम से रजिस्ट्रार या किसी अन्य व्यक्तिगत वकील द्वारा किए गए आवेदन पर न्यायाधिकरण की राय है मतलब ऐसे कोई अन्य आधार जिस पर न्यायालय समझता है कि ये कंपनी जो है वो बाइंड अप होगी तो उन अन्य आधारों पर जो है वो कंपनी जो है वो बाइंडिंग अप होगी नेक्स्ट जो है कि निगम ने लगातार 5 वित्तीय वर्षों के लिए रजिस्ट्रार के साथ अपने वित्तीय विवरण और रिटर्न भरने में चूक की है नेक्स्ट जो कारण है कि जहां पे जो है लगातार 5 वित्तीय वर्षों में जो उनके रिटर्न है उनको फाइल करने में चूक करी है तो ये भी एक कारण है कि वो कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी या बाइंड अप हो जाएगी तो ये भी एक ग्राउंड है कंपनी के बाइंडिंग अप होने के लगातार चार फाइनेंशियल ईयर में आप वो रिटर्न फाइल करने में फेल हुए हो तो ये भी एक बाइंडिंग अप का कारण है नेक्स्ट जो है कि अदालत की राय में इसे ख़त्म किया जाना उचित या न्याय संगत समझे मतलब कि जहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है उसकी राय है कि ये जो है कंपनी के ख़त्म होने या समाप्त होने का उचित रीजन है तो वहाँ पे भी वो कंपनी जो है वो समाप्त हो जाएगी अब नवीनतम संशोधनों के अनुसार दिबाला और दिवालियापन संहिता दो ने जो कंपनी अधिनियम था 2013 के खंड धारा 271 को प्रतिस्थापित कर दिया और निम्नलिखित आधारों को हटा दिया कि जहाँ पे कंपनी कर चुकाने में सक्षम है तो अब ये जो है अब ग्राउंड नहीं है और ट्रिब्यूनल ने दिवालिया के तहत संगठन को बंद करने का कोई ऐसा जहां पे इंस्टॉलमेंसी डिक्लेयर कर दी तो वो भी जो है वो कंपनी माइंड आपका कोई ग्राउंड नहीं है तो इसको अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो हटाया गया है अब है परिसमापक की नियुक्ति कि परिसमापक कौन होते हैं इनकी नियुक्ति जो है वो कैसे की जाती है कि जैसे हमने प्रीवियस उसमें डिस्कस करा है कि वॉलेंटली जो है वो के बाइंडिंग अप के केसेस में परिसमापक नियुक्त हो सकता है या कोर्ट जो है वो परिसमापक नियुक्त करती है अब परिसमापक जो है ऐसा व्यक्ति होता है कि जिस व्यक्ति ने कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया हो या वॉलेंटली जो है जो उनके मेंबर्स हैं उनके द्वारा अपॉइंट किया गया हो कंपनी के बाइंडिंग अप के लिए तो ये ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी के समापन से संबंधित सारी प्रक्रिया जो है वो करता है और उनके जो अकाउंट्स हैं बुक्स हैं उनको चेक करता है और वो ग्राउंड मेंशन करता है उसकी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी जो है वो पूरी इसके द्वारा करी जाती है और इसकी एक प्रॉपर फीस जो है वो दी जाती है जो ट्रिब्यूनल्स देता है तो इसको परिसमापक बोलते हैं कि जो कंपनी की समापन प्रक्रिया में हेल्प करे चाहे वो कोर्ट के द्वारा नियुक्त हो चाहे पक्षकारों के मतलब जो कंपनी है उनके द्वारा तो उसको परिसमापक बोलेंगे अब समापन का आदेश पारित करते समय ट्रिब्यूनल जो है उपधारा दो के तहत बनाए गए एक पैनल में से एक आधिकारिक परिसमापक और परिसमापक को अपनी कंपनी के रूप में नियुक्त करेगा कि जहाँ पे कोर्ट ने एक पैनल बनाया है उस पैनल में से किसी एक व्यक्ति को जो है उस कंपनी का परिसमापक नियुक्त करेगा और वो सारे दायित्वों का निर्माण करेगा कि वो कंपनी जो है वो कैसे समाप्त होगी और किन कारणों से होगी तो ये जो है वो पूरा उसमें मेंशन किया हुआ है अब जो है इसकी धारा 275 में परिसमापक की नियुक्ति से संबंधित नियम और शर्तें भुगतान की जाने वाली फीस ट्रिब्यूनल द्वारा निर्दिष्ट की जाने की जाएगी तो ये पूरी कंडीशंस जो है वो इसमें बताइए कि परिसमापक कैसे नियुक्त होगा क्या शर्तें होंगी क्या फीस होगी उसकी डिसाइड तो ये जो है वो पूरा इसमें प्रोविजंस में बताया गया अब परिसमापक को अपनी नियुक्ति के सात दिन के भीतर स्वतंत्रता की कमी और हितों के टकराव यदि कोई हो का खुलासा करना होगा कि जहाँ पे एक लिक्विडेटर या परिसमापक अपॉइंट करा गया है तो वहाँ पे जो है वो पूरे जो है जैसे अपॉइंट किया गया तो यदि वो उसका कोई कंपनी में या किसी और चीज़ में उसका इंटरेस्ट है तो उसको डिस्क्लोज जो है वो करना पड़ेगा कि मेरे रिलेटिव हैं या कोई ऐसा इंटरेस्ट है उस कंपनी में तो वो परिसमापक जो है वो नियुक्त नहीं हो सकता इसके बाद जो है परिसमापक की शक्तियाँ और कार्य बताए हैं कि परिसमापक की शक्तियाँ क्या हैं और उनके क्या कार्य हैं अब कंपनी अधिनियम दो की धारा दो में जो परिसमापक हैं उनकी शक्तियाँ और कर्तव्यों का निर्धारण किया गया कि क्या उनकी शक्तियाँ पावर से हैं क्या उसके कार्य हैं या फंक्शन हैं या ड्यूटीज हैं तो ये जो है इसको धारा 290 में परिभाषित किया गया है अब एक चालू संस्था के रूप में किसी कंपनी के संपूर्ण उपक्रम को बेचना ये उसका मेन काम है या पावर्स है पहला जो है कि जो करेंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो कंपनी के संपूर्ण उपक्रम हैं उन उपक्रम को बेचना मेन कारण है नेक्स्ट कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना कि जब परिसमापक नियुक्त किया गया है तो जो कंपनी की प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा करना और उसको सुरक्षित रखना ये उसका मेन कर्तव्य है नेक्स्ट जो है कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक धन जुटाने के लिए कि जो उनकी परिसंपत्तियाँ उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक धन जुटा सकता है नेक्स्ट जो है रजिस्ट्रार या किसी अन्य प्राधिकारी के पास दाखिल किए गए कंपनी के किसी भी रिकॉर्ड या रिटर्न का निरीक्षण कर सकता है मीन्स के जो रिकॉर्ड वहाँ पे दाखिल किए गए हैं तो वो कंपनी के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड जो है वो चेक कर सकता है ये परिसमापक का राइट है नेक्स्ट जो है कि लेनदारों और कर्मचारियों के दावे को आमंत्रित करना और उनका निपटान करना कि सपोज जब परिसमापक नियुक्ति हुआ तो जो कर्मचारी हैं या जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने जो है आवेदन दिए हैं उसके निपटान के लिए तो वहाँ पर जो है उन निपटान का जो है वो वो भी निर्धारण कर सकता है ये भी उसको पावर है नेक्स्ट है कि कंपनी के, के लाभकारी समापन के लिए व्यवसाय को आगे बढ़ाना कि यदि वो चाहता है कि व्यवसाय जो है आगे बढ़ाए या जो उनके मेंबर्स हैं तो वो उनको आगे भी बढ़ा सकता है और उनकी पूरी प्रोसीडिंग जो है वो भी कंडक्ट कर सकता है जो परिसमापक नियुक्त हुआ है नेक्स्ट जो है वो कंपनी के नाम और उसकी ओर से सभी कार्य करना कि जितने भी कंपनी ने काम असाइन करे हैं या कोर्ट ने काम असाइन करे हैं तो वो सारे जो है उसके ब्याप में या कंपनी के ब्याप में वो सारे काम जो कोर्ट ने या कंपनी ने असाइन करें तो वो सारे काम जो है वो कर सकता है नेक्स्ट जो है कि अपनी संपत्ति के खिलाफ किसी भी शेष राशि के लिए किसी अंशदाता को दिवालिया दिवालियापन या जब्ती में साबित करने रैंक करने और दावा करने के लिए या दिवालियापन होने के कारण को अलग अलग रूप से वो परिभाषित कर सकता है कि ये व्यक्ति जो है वो दिवालियापन होने लायक है या इसके पास में कोई ऐसी असेट्स नहीं है तो वो भी वो डिक्लेयर कर सकता है नेक्स्ट जो है कंपनी के नाम और उसकी ओर से किसी विनिमय बिल और वचन पत्र को निकालना स्वीकार करना और बनाना मतलब जहाँ पे कोई ऐसे विनिमय पत्र की ज़रूरत है या वचन पत्र की ज़रूरत है तो वहाँ पे जो है लिक्विडेटर्स को ये राइट है कि वो कंपनी के परिसमापन के समय जो है वो ऐसा वचन पत्र या जो लिक्विडेशन या विनिमय पत्र जो है वो इशू कर सकता है नेक्स्ट है कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोई भी पैसा कि जहाँ पे उसको कंपनी की सुरक्षा की या उसके मनी को बढ़ाने के लिए कोई ऐसे पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो भी कंपनी के पैसे को यूज कर सकता है या उसमें खर्च कर सकता है नेक्स्ट है कि कंपनी के समापन के परिणाम अब कंपनी के समापन के परिणाम तो ये भी उसमें डिक्लेयर कर सकते कि कंक्लूजन निकाल सकता है कि क्या कंपनी का समापन जो है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो ये रिपोर्ट भी वो सबमिट कर सकता है तो ये निम्न जो अधिकार हैं वो एक समापक को प्राप्त हैं अब इसके बाद जो है एक और कंसेप्ट है कॉपरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सी एस आर इसका जो है धारा 135 जो कंपनी अधिनियम है उसमें बताया गया है इसको संक्षिप्त में इसमें समझते हैं कि ये 2009 में ये कंसेप्ट जो है वो कंपनी अधिनियम में लाया गया और 2013 के कंपनी अधिनियम में इसको शामिल किया गया सी एस आर का मतलब होता है कॉपरेट सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले क्या होता था उन्नीस सौ छप्पन का अधिनियम था उसमें ऐसा कोई कंसेप्ट था नहीं तो उसमें क्या होता था कंपनी जो है वो कोई भी इन्वामेंट को पोल्यूशन करें या कोई ऐसा चीज़ करें जिससे जो है वो इन्वायरमेंट को नुकसान हो या किसी व्यक्ति को नुकसान होता है या सोसाइटी को नुकसान होता है तो उसके लिए कोई ऐसी हर जाने की व्यवस्था थी नहीं लेकिन इसके इस कंसेप्ट के आ जाने के बाद में सी एस आर के बाद में जिसको सेक्शन 135 में परिभाषित किया गया है तो इसको आने के बाद में कि जहाँ पे कंपनी अपना व्यवसाय कर रही है उस व्यवसाय से किसी व्यक्ति को पर्यावरण को या किसी सोसाइटी को कोई ऐसा नुकसान होता है तो इन प्रोविजन्स के आने से उसको वो जो है वो उसकी क्षतिपूर्ति जो है वो देनी होगी जो उसने इन्वायरमेंट को क्षरण किया है या किसी व्यक्ति को नुकसान किया है या जो सोसाइटी है उसको नुकसान किया है तो वहाँ पे जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको जो उसने नुकसान किया है पर्यावरण का तो उसके लिए जो है वो देना होगा इसको अपन सी या कॉपरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बोलते हैं अब जो है कॉपरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के कुछ लाभ जो है वो बताए गए हैं पहला जो लाभ है इसमें कि सी एस आर समुदाय के लिए जितना महत्वपूर्ण है एक कंपनी के लिए उतना ही मूल्यवान है सी एस आर गतिविधियाँ कर्मचारियों और निगमों के बीच एक मजबूत बंधन बनाने और मनोबल बनाने और कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों और उनके आस पास की जो दुनिया है उनमें जो है उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करता है कि जहाँ पर कोई ऐसे क्षरण किए गए या कोई वो करेगा तो, तो ये इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं इसके तो वहाँ पे जो है उन्होंने बोला कि वहाँ पे उसको डैमेजेस या कंट्रीब्यूट सी में करना होगा प्रत्येक कंपनी के लिए तो पहला जो इसका लाभ है कि इससे जो है वो ब्रांड की पहचान होती है कोई भी कंपनी की या उसकी कि ग्राहक तेजी से कंपनियों द्वारा उनके समुदाय पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में अधिक जागरूक होते हैं और कई लोग जो है व्यवसाय के सी पहलू को ख़रीदारी के निर्णय लेते हैं और जैसे जैसे कंपनियां सीआर से अधिक संलग्न होती हैं उसे अनुकूल ब्रांड पहचान प्राप्त होती है जिसकी अधिक संभावना है तो सबसे जो पहला फायदा है कि इससे जो है वो ब्रांड की पहचान होती है जो कंपनी का ब्रांड है वो सी एस आर से उसकी पहचान होती है दूसरा है निवेशक संबंध कि यहाँ पे जो है निवेशकों से संबंध होते हैं कि एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है वो निवेशक आते हैं और उनसे जो है वो संबंध होते हैं कि जिन कंपनियों को पर्यावरण सामाजिक और शासन के मामले में अग्रणी माना जाता था उनका अपने प्रतिस्पर्धी पर 11 परसेंट मूल्यांकन प्रियम था बढ़त हासिल करने और बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने की चाहत रखने वाली कंपनियों के लिए सी एस आर रणनीतियों को लागू करने से बेहतर होता है तो निवेश में संबंध भी होता है तीसरा जो है कर्मचारियों को काम पर लगाना जो कर्मचारी हैं वो काम पर जो है लगे होते हैं तो तीस इसकी तीसरा लाभ है चौथा लाभ है जोखिम न्यूनीकरण इसमें जो है रिस्क कम होती है और भेदभाव प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षा कंपनी के धन अनैतिक उपयोग जैसी प्रतिकूल गतिविधियों को रोकना शामिल है तो इस तरह से जो है ये सी के कुछ लाभ हैं अब इसके कुछ प्रकार बताए गए हैं कि सी के क्या प्रकार हैं सबसे पहला जो है पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी कि जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं चाहे वो नई हो या पुरानी हो अब जो है उन्होंने बोला है कि पर्यावरण के प्रति जो है प्रत्येक कंपनी जो है वो जिम्मेदार होगी अब पर्यावरण जिम्मेदारी कॉपरेट का स्तंभ है जो मात्र प्रकृति के संरक्षण में निहित है स्तंभ संचालन और जो उसके कारक हैं उसके लिए जो है वो वो कंपनी जो है वो दायी होगी दूसरा जो है नैतिक जिम्मेदारी नैतिक जिम्मेदारी कॉपरेट सामाजिक जिम्मेदारी है और तीसरा जो है परोपकारी उत्तरदायित्व और चौथा जो है वित्तीय उत्तरदायित्व इस तरह से जो है हम ये अध्याय नंबर नौ जो है ख़त्म करते हैं अब अगले अध्याय में ए, नेशनल कंपनी ऑफ ट्रिबिनल्स और अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे थैंक यू Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of? Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.